सो व्हाट्स अप गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है वो GTA San Andreas प्लेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपनी GTA 5 का फ्रैंकलिन का हाउस जो है अपनी GTA San Andreas में इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि कुछ इस टाइप का दिखेगा। आप लोग देख सकते हो हमारा जो फ्रैंकलिन का सेफ हाउस है वो एग्जैक्ट लोकेशन में बिल्कुल इसी जगह पर हमारा यहाँ पर आया हुआ है, GTA San Andreas के अंदर वाइन बूट के माउंटेन्स की साइड पर। और यहाँ पर अभी हम लोग अपने फ्रैंकलिन के हाउस के अंदर चलते हैं, और ये हमारा फ्रैंकलिन का हाउस है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये हम लोग अपने फ्रैंकलिन के हाउस में एंटर हो चुके हैं। पूरा का पूरा इसका एंट्रेंस बना हुआ है, यहाँ पर इसका रेस्ट एरिया बना हुआ है, किचन वगैरह बना हुआ है। पूरा फ्रैंकलिन का हमारा जो सेफ हाउस है वो आप लोग अपनी GTA San Andreas के अंदर एंजॉय कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इसके अलावा भी हम लोग नीचे चलते हैं अपने फ्रैंकलिन के सेफ हाउस में, यहाँ सबसे नीचे वाले फ्लोर में आते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये इसका सेफ करने वाला गेम, जहाँ पर हम लोग सेफ करते हैं वो वाली जगह है। और ये हमारा वार्डरोब बना हुआ है GTA 5 फ्रैंकलिन हाउस का। और इसके अलावा यहाँ पर बाहर भी स्विमिंग पूल है, यहाँ से हम लोग बाहर चलते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ हम लोग सेफ हाउस से बाहर निकल के चौक वाली साइड पे जाते हैं। ये हमारा गैरेज भी है फ्रैंकलिन के सेफ हाउस का। और इसके अलावा ये जो हमारा फ्रैंकलिन के सेफ हाउस का नीचे वाला एरिया है, जहाँ यहाँ पर चौक होता है। और इसके अलावा ये हमारे दोनों स्विमिंग पूल्स हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो पूरा फ्रैंकलिन का सेफ हाउस हमें GTA San Andreas में आ चुका है। तो गाइस बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से इस मोड को अपनी गेम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग अपने ब्राउजर की तरफ आ चुके हैं, और ये हमारा मॉड है जिसका नाम है GTA 5 फ्रैंकलिन हाउस वाइन बूट। और ये हमारे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो फ्रैंकलिन के सेफ हाउस के। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस मॉड को ऐसे डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही आप लोग इस मोड को डाउनलोड कर लोगे, इसके साथ आपको किसी मोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बेसिक मोड भी इस मोड के अंदर ही आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप लोगों ने जस्ट को ऐसे डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपका ये कुछ इस टाइप का मॉड होगा, जिसका नाम लिखा होगा यहाँ पर फ्रैंकलिन हाउस वाइनवुड। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस मॉड पे यहाँ पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमारा जो मॉड है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट फोल्डर को यहाँ पर ऑन कर लेना है। यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर फ्रैंकलिन वाइनवुड वाले फोल्डर में जाना है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक फोल्डर दिखेगा ये वाला, तो आप लोगों ने इस फोल्डर के अंदर जाना है, और यहाँ पर आप लोगों ने इस फोल्डर के अंदर आ जाना है। यहाँ आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, दूसरी साइड पर GTA San Andreas का मेन फोल्डर ओपन कर लेना है। मैं GTA San Andreas का मेन फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, और ये हमारी गेम का मेन फोल्डर यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ASI लोडर के फोल्डर में जाना है, और यहाँ पर सारी फाइल सिलेक्ट करके अपनी गेम के मेन फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है कुछ इस तरीके से। अब आप लोगों ने क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोगों ने क्लियो 4.3 फोल्डर में जाना है, और उसके अंदर सेटअप को यहाँ पर रन करना है। सेटअप स्टार्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है, और एंड देन यहाँ पर आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी GTA San Andreas की मेन डायरेक्टरी देनी है। तो मैं जो GTA San Andreas है वो आई के अंदर GTA San Andreas मोडेड फोल्डर में, तो मैं यहाँ पर आई डिस्क सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं GTA San Andreas मोडेड के फोल्डर को सिलेक्ट कर लूंगा। एंड देन यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ, अगेन नेक्स्ट करना है, यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद जो आपका मोड है, जो आपका क्लियो है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोग अनटिक करके फिनिश कर देते हैं। इससे बैक आना है आप लोगों ने यहाँ पर लिमिट एडजस्टर के फोल्डर में आकर, आप लोगों ने लिमिट एडजस्टर को सिलेक्ट करके अपनी गेम के मेन फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ये हमारे जो है बेसिक मोड्स हैं, इनको ड्रॉप करने के बाद आप लोगों ने फिर से बैक आना है, यहाँ पर मोड लोडर के अंदर आ जाना है। मोड लोडर के अंदर आने के बाद आप लोगों ने इन दोनों फाइल्स फोल्डर को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है San Andreas के मेन फोल्डर के अंदर। इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके गेम जो है क्रैश करती है मोड इंस्टॉल करने के बाद, तो आप लोगों ने इन दोनों को भी इधर से इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अदरवाइज आप लोगों ने इसको नहीं करना है। अगर आपकी गेम क्रैश करे तो आप लोगों ने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ, और अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने GTA San Andreas के अंदर मोड लोडर के फोल्डर में आना है, जो हमने अभी ड्रैग एंड ड्रॉप की है। तो मोड लोडर के फोल्डर के अंदर आ जाना है। यहाँ आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पर एक मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर फ्रैंकलिन हाउस रख देता हूँ। मैं यहाँ फ्रैंकलिन हाउस करके फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने फोल्डर के अंदर आना है, और ये जो आपका एक फोल्डर है FRK-Vine Franklin-Vine वाला जो फोल्डर है, आप लोगों ने इस फोल्डर को जो है यहाँ पर अपने फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, जो आप लोगों ने फोल्डर यहाँ पर क्रिएट किया है। तो जैसे आपको जो फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा, तो आपकी जो इंस्टॉलेशन है कम्प्लीट हो जाएगी। तो वैसे जो हमारे इंस्टॉलेशन जो सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुकी है, अभी हम लोग चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ, और चेक करते हैं जो हमारा मॉड है वो इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं। बढ़ते हैं हम लोग अपने गेम की तरफ। तो ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग अपने गेम प्ले की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले अपना मैप ओपन करना है,
और यहाँ पर आप लोगों ने वाइन वुड की साइड पे आ जाना है, यहाँ पर कुछ इस टाइप का ब्रिज बना होगा, और यहाँ पर आप लोग इसे थोड़ा सा आगे आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का एरिया देखने को मिलेगा जिसका नाम है रिच मैन। यहाँ पर आपको कुछ तीन बड़े बड़े टाइप के मेंशन दिखेंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है, इनमें से जो थर्ड है उसके पास आप लोगों ने मार्क लगा लेना है। तो मैं यहाँ मार्क लगा लेता हूँ उसके पास, एंड देन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस लोकेशन पे पहुंचना है। मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट कर लेता हूँ ट्रेनर की हेल्प से, यहाँ पर मैं टेलीपोर्टिंग में आता हूँ, यहाँ पर टेलीपोर्ट टू मार्कर मैंने कर लिया है। तो टेलीपोर्ट होने के बाद बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर फ्रैंकलिन का हाउस यहाँ पर लोड हो जाएगा, और उसके अंदर यहाँ पर फ्रैंकलिन की बफेलो भी यहाँ पर खड़ी होगी, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर बस आप लोगों ने करना कुछ नहीं है, आप लोगों ने अपने सेफ हाउस के अंदर जाना है और यहाँ पर चिल आउट करना स्टार्ट कर देना है। आप लोग देख सकते हो मैं जो फ्रैंकलिन का सेफ हाउस है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है बिना किसी मसले के। यहाँ पर आप लोग पूरा सेफ हाउस यहाँ पर देख सकते हो, ये पीछे का हमारा जो भी एरिया था फ्रैंकलिन के हाउस का वो पूरा का पूरा जीटी सैन एंड्रियास में इम्पोर्ट हो चुका है। तो गाइज ये आप लोग देख सकते हो हमारा सेफ हाउस यहाँ पर लोड हुआ हुआ है, पूरा नीचे का भी एरिया यहाँ पर आ रहा है। गाइज यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी दबाओ। और अगर आपको इस मोड से रिलेटेड कोई भी इशू आता तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी गाइज मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।